राम भाई, सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन, सभी को राम राम। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीटी मेंस के वो सारे ग्रुप जिसमें फिजिकल पहले होगा, और इन ग्रुपों में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, और इनके जो फिजिकल होगा वो उसमें क्या क्या होगा, तो बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम आते हैं भाई ग्रुप नंबर 102 के ऊपर। अगर हम 102 नंबर ग्रुप की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी फॉरेस्ट रेंजर की है, जो कि आपकी फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी रहने वाली, लेवल 6 की ये वैकेंसी है। तो ये भाई लेवल 6 में आ जाती है। अगर बात करें इसकी वैकेंसी की, तो टोटल इसमें 78 वैकेंसियां हैं, ठीक है, 78 यहाँ पे पोस्ट हैं, और ये ग्रुप नंबर 7 में है भाई। ये मतलब ग्रुप नंबर 7 के अकॉर्डिंग इसका पेपर होगा, तो ये ग्रुप नंबर 7 में ये वैकेंसी जो है वो रखी गई है। अगर बात करें इसमें जो क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि जो जिन बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है एग्रीकल्चर में, बोटनी में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग कर रखी है एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और वेटनरी साइंस या जूलॉजी, इनमें अगर अपनी डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो ये बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। अब बात कर लेते हैं इनके फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे देखिए, हाइट जो है मेल की बात करें 163 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर, रेस जो होने वाली है 25 किलोमीटर होगी, जो कि आपको 4 घंटे में करनी पड़ेगी। फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यहाँ पे चेस्ट जो है वो 74 सेंटीमीटर से, यार ये फिजिकल में नहीं होनी चाहिए, मैं फीमेल के लिए गलत दे रखा है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि फीमेल की कहीं भी चेस्ट मेजरमेंट जो है, ब्रेस्ट जो होती है वो मेजरमेंट नहीं होता है, बाकी इन्होंने दे रखा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब बात करें रेस की, तो 14 किलोमीटर जो है वो आपके 4 होवर्स में आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये तो आपका हो चुका है भाई पहला। अब देख लेते हैं अगले ग्रुप की। अगली जो कैटेगरी नंबर है वो आपकी 140 है। ये 140 नंबर जो कैटेगरी है, ये आपकी फायर स्टेशन ऑफिसर की है भाई। तो वैकेंसी का नाम जो है वो आपका है फायर स्टेशन ऑफिसर। अब ये आती है भाई लेवल 6 की नौकरी है ये, ठीक है। तो ये भी आपकी किस्म की है, लेवल 6 की नौकरी है। अगर हम बात करें तो इसमें आपकी टोटल जो वैकेंसियाँ हैं, वैकेंसी आपकी यहाँ पर 8 रखी गई हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी 8 है। ग्रुप नंबर की बात करें तो ग्रुप नंबर ये 12 है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो ग्रुप नंबर 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। अगर बात करें इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे देखिए, हाइट जो है मेल की 170, फीमेल की 152, यहाँ पे वेट जो है वो 54 kg है मेल का, फीमेल का वेट जो है 47.5 kg से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे चेस्ट जो है वो 32 इंच दे रखी है विदाउट क्लोथ, और मतलब फुलाने के बाद में 34, ठीक है, फीमेल के लिए नहीं है। अगर हम आईज की बात करें तो 6x6 की आईज जो है वो आपकी क्या है, बिल्कुल 6x6 वाली जो है विदाउट ग्लास, एंड 6x6 विद या विदाउट ग्लास आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर। मतलब अगर विदाउट ग्लास या फिर विद ग्लास तो चलेंगे 45 साल के बाद में, और उससे पहले की विदाउट ग्लास ही होनी चाहिए, सेम कैटेगरी फीमेल के लिए है। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपका हो चुका है 140 नंबर कैटेगरी के लिए, ठीक है भाई। अगली देख लेते हैं एक बार। उससे पहले आप सभी के लिए अपडेट है, जितने भी साथी हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भाई अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे रात को 9 बजे अपनी हरियाणा जीके की, कंप्यूटर की और करंट अफेयर की क्विज चलती है, और शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी रैंक भी शो जाती है। तो आप जितने भी साथी हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से क्लिक कर लो, या फिर आप सिंपली सर्च कर लो स्पेशल क्विज ग्रुप, ठीक है, वहां से आपको अपना ये जो चैनल है ये मिल जाएगा। अब देखते हैं अगली पोस्ट की बात। तो भाई अगला जो है कैटेगरी नंबर 201 है। अगर 201 की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी जो है वो सब फायर ऑफिसर की है भाई, सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सब फायर ऑफिसर की ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अगर बात करें कौन से लेवल की है, तो ये आपका लेवल नंबर 5 है भाई। तो लेवल जो है ये 5 की वैकेंसी रहेगी। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 33 वैकेंसी है भाई, वैकेंसी आपकी है 33। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई, ग्रुप नंबर 24 के अंतर्गत ये
आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, ग्रुप नंबर 24। ठीक है भाई, ग्रुप नंबर 24 का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर बात करें इसका फिजिकल स्टैंडर्ड, तो देखिए भाई यहाँ पे ऊपर अपना सिलेबस भी देख लीजिएगा, मतलब सॉरी क्वालिफिकेशन भी देख लीजिएगा, क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। तो मैं अब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की बात करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, वेट 54 kg है, 47.5 kg है, चेस्ट जो है 32 से 34, मतलब फुलाने के बाद में 34 इंच आपका सीना होना चाहिए। आईज जो है वो बिल्कुल सेम जो अभी बताई थी, 6x6 होनी चाहिए, और 45 साल से ऊपर है तो आपकी 6x6 जो है वो विद ग्लास भी चल जाएंगी। अब देखिए भाई यहाँ पे जो है 243, ये जो है ये आपकी फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, ठीक है, वैकेंसी जो है वो आपकी है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, ठीक है। इसमें कितनी वैकेंसियां हैं, तो इसमें जो वैकेंसियां हैं ना भाई 2063 वैकेंसी हैं, लेवल 4 की ये नौकरी है। अगर बात करें अगली 244 नंबर की, तो ये ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी है भाई। इसमें जो आपकी जो वैकेंसियां हैं ना, टोटल जो वैकेंसी हैं वो आपकी रखी गई हैं 16 वैकेंसी हैं, ठीक है, यहाँ पे 16 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। और ये जो आता है ये एग्जाम जो है ग्रुप नंबर 30 के अंतर्गत होगा भाई, ग्रुप नंबर दोनों एग्जाम ही ग्रुप 30 का है, इससे अगला भी 30 का ही है, ग्रुप नंबर 30 है भाई, ठीक है। ये जो सिलेबस होगा आपका ग्रुप नंबर 30 के अकॉर्डिंग होगा, इसका भी ग्रुप नंबर 30 के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा, जो कि आपकी 245 है, ये भी आपकी ग्रुप नंबर 30 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहने वाला है। इसमें जो वैकेंसियां हैं वो आपकी हैं भाई 29 वैकेंसी है टोटल, अगर वैकेंसी की बात करें तो 29 वैकेंसी हैं, और ये लेवल 5 की नौकरी है, ठीक है भाई, ये आपकी लेवल 5 की नौकरी है। अगर बात करें इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो देखिए भाई हाइट जो है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, वेट जो है 54 kg से 47.5 kg फीमेल का है, 32 से 34 इंच आपका सीना होना चाहिए, आँखें वही हैं 6x6 होनी चाहिए, हैवी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, साथ में ही जो आपका ये एक मतलब एक डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस काउंट मान सकते हो आप, ये बेसिक कोर्स था फायर फाइटिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या फिर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हो चाहे अपना स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें मांग रखी हैं। अगर बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पे इसमें भी सेम चीज़ें ही हैं लगभग लगभग, लेकिन एक चीज़ अलग है कि इसमें क्या है ना, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन यहाँ पे 5 वीक की फायर की ट्रेनिंग मांग रखी है, ठीक है, तो ये अपना दे रखा है, अगले में भी सेम ही है, ये भी अपना सेम ही है, ठीक है भाई। अगला देख लेते हैं, इससे अगला 295 नंबर ग्रुप, ये आपकी जो वैकेंसी है ना वो डिप्टी रेंजर की है भाई, ठीक है, डिप्टी रेंजर की वैकेंसी है, ये आपकी जो वैकेंसी है ये डिप्टी रेंजर की है। लेवल की बात करें तो लेवल आपका 6 रहने वाला है। अगर बात करें वैकेंसी की, टोटल वैकेंसी यहां पे 8 रखी गई है। अगर हम बात करें ग्रुप कौन सा है, तो ये ग्रुप नंबर 45 के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस होगा भाई, ग्रुप नंबर 45 के अकॉर्डिंग इसका पेपर होगा। हाइट जो है यहाँ पे देखिए, जो फॉर्म भरा होगा वो किसने भरा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जूलॉजी बोटनी जूलॉजी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फ्रॉम एनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में इन्वायरमेंट में या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में, तो इन बच्चों ने ये फॉर्म भरा होगा। हाइट जो है 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, चेस्ट जो है ये गलत दे रखी है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे अगर चेस्ट की बात करें तो भाई 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 फुला के, रेस जो है वो 25 किलोमीटर होनी चाहिए 4 घंटे में, 25 किलोमीटर जो है ना वो आपकी 4 घंटे में कंप्लीट करनी है, और यहाँ पे 14 किलोमीटर जो है वो फीमेल को करनी है 4 घंटे में, ठीक है, ये आपका मतलब फिजिकल का स्टैंडर्ड हो चुका है। अगले देख लेते हैं भाई 320 नंबर और 321 नंबर, तो ये जो वैकेंसी है ना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फीमेल और मेल की है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैकेंसी का नाम, ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, तो ये मेल की है और फीमेल की है। लेवल इस वैकेंसी का रहने वाला है भाई आपका 6, लेवल 6 की वैकेंसी है। अगर हम बात करें मेल की, तो भाई मेल के लिए जो वैकेंसियां हैं ना वो तो यहाँ पे रखी गई हैं 25, ठीक है, मेल की वैकेंसियां 25 हैं और फीमेल की जो वैकेंसियां हैं वो 4 हैं। अगर बात करें कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप नंबर 56 है भाई, ये
इसका सिलेबस जो है वो ग्रुप नंबर 56 के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर बात करें 320 या 321, तो यहाँ पे देखिए हाइट और चेस्ट वगैरह सब कुछ दे रखा है। हाइट जो है मेल के लिए अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें एससी एसटी के लिए, मतलब बाकी जो रिजर्व हैं बीसी आ गया, एससी आ गया, ईडब्ल्यूएस वगैरह आ गए, रिजर्व के लिए 168 सेंटीमीटर मेल के लिए, 156 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। रेस की बात करें तो मेल को 2.5 किलोमीटर रेस करनी है 12 मिनट में, यहाँ पे 1 किलोमीटर करनी है फीमेल को 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर करनी है 5 मिनट में। अगर चेस्ट की बात करें, फीमेल के लिए चेस्ट वगैरह ऑप्शन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए 83 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर फुलाव कम से कम होना चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर बात करें रिजर्व के लिए तो 81 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो ये आपका हो चुका ग्रुप नंबर 56 के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा एक वैकेंसी और है जो ग्रुप 56 के अकॉर्डिंग ही फिल की जाएगी, मतलब ग्रुप 56 के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस रहने वाला है। ये आपकी प्लाटन कमांडर की है भाई, तो ये आपकी जो वैकेंसी है प्लाटन कमांडर की है, ठीक है। ये आपकी प्लाटन कमांडर की जो वैकेंसी है, और ये भी आपकी लेवल 6 की वैकेंसी है, लेवल 6 में आती है ये वैकेंसी। टोटल जो अगर पद करें तो भाई यहाँ पे वैकेंसी जो टोटल है ना वो 15 वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो 15 वैकेंसियाँ हैं। इसके लिए एक कंडीशन ये है, आपके पास में नेशनल कैडेट कोर मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर होमगार्ड्स का होना चाहिए, या फिर सिविल डिफेंस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर से 170.18 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 82.87 से 87.63 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है भाई। एज जो है वो 18 से 35 साल दे रखी है। तो ये आपको बता दिया है ग्रुप नंबर 56 के अकॉर्डिंग ही इसका भी सिलेबस रहने वाला है। अगर बात करें 376 और 376 है, इसमें टोटल वैकेंसियां जो हैं वो 65 वैकेंसियां रखी गई हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये वैकेंसी जो है वो आपकी फॉरेस्टर की है भाई, ठीक है। ये आपकी जो वैकेंसी है ये फॉरेस्टर की है, लेवल 5 की ये वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपकी जो हाइट जो है मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, यहाँ पे चेस्ट वगैरह गलत दे रखी है। यहाँ पे अगर बात करें मेल की तो 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 80 सेंटीमीटर। अगर रेस की बात करें तो 25 किलोमीटर कंप्लीट करना है 4 घंटे में, 14 किलोमीटर कंप्लीट करनी है 4 घंटे में, ये फीमेल के लिए है। ये आपका 376 हो चुका है, ग्रुप नंबर 57 के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, ग्रुप नंबर 57 के अकॉर्डिंग। अगला देख लेते हैं, ये भी आपके भाई 381 नंबर कैटेगरी और 382 नंबर कैटेगरी, ये भी आपके ग्रुप नंबर 57 के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसमें जो है आपकी जो वैकेंसी बता देता हूँ मैं आपको, 381 जो है ना वो आपकी प्रिजन का वार्डन है जो कि फीमेल की है। तो 381 जो फीमेल के लिए है वैकेंसी कितनी है, 106 वैकेंसी हैं, 106 वैकेंसी हैं। लेवल जो है वो आपका 2 है भाई, लेवल जो है वो आपका 2 है, 2 लेवल की वैकेंसी है ये। टोटल वैकेंसी 106 हैं, ग्रुप नंबर 57 के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। अगर हम बात करें 382 की तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 1100 रखी गई हैं, ये आपकी मेल वार्डन की हैं। और ग्रुप नंबर ये भी 57 के अकॉर्डिंग पेपर होगा, लेवल 2 की ही वैकेंसी है ये भी आपकी। और अगर बात करें इसके फिजिकल क्राइटेरिया की तो फीमेल के लिए जो जनरल कैटेगरी है उनकी हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और बाकी जो रिजर्व हैं उनको 156 सेंटीमीटर। रेस वो करनी है 1 किलोमीटर मारनी है आपको रेस, वो भी 6 मिनट में, तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देखिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है रिजर्व के लिए, सॉरी जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 168 जो है वो रिजर्व के लिए, ठीक है। जो आपकी चेस्ट है 83 सेंटीमीटर जो है, और उसके अलावा आपको फुलाने के बाद में 87 सेंटीमीटर, ये आपके जनरल के लिए है। 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर ये है आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। जो रेस करनी है वो आपको 2.5 किलोमीटर से ले करनी है, जो कि 12 मिनट में आपको मारनी है, जो कि एक हरियाणा पुलिस के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो ये जो है सारे ग्रुप मैंने बता दिए हैं, फिर भी अगर एक आधा ग्रुप रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी कीजिएगा, मैंने सारे डिटेल में देख के आपको लिए वीडियो बना दी है। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जिन साथियों को तैयारी करनी है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकता है। रात को डेली यहाँ पे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी हरियाणा जीके कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्यूज होती है, यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे यहाँ पे ले लिए गए हैं। लगभग लगभग ये समझ लो 30 नंबर का जो आपका
आपका मेन पोर्शन है ना, जो हरियाणा जीके का है या फिर आपका कंप्यूटर का है, 30 में से यहाँ से आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है भाई। 20 से 25 नंबर का काम जो है वो आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।